हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंजुम फ्रॉम प्राइमरी हिंदी मीडियम। आज मैं आप क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाऊंगी। तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। सबसे पहले सब्जेक्ट को क्लियर किया जाता है। सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज नॉन एज सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में हम बात करते हैं उसे कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले बता रहे हैं द काउ इज क्राजिंग क्रास। गाय क्या कर रही है? घास चर रही है। तो ये सेंटेंस किसके बारे में बताया जा रहा है? इसमें काउ के बारे में ना। तो काउ हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेकेंड है द गर्ल इज रीडिंग द बुक। लड़की क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? लड़की के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। What we speak about the subject is known as predicate. कर्ता के विषय में जो बात होती है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल द स्टार ट्विंकल एट नाइट। तारे कब झिलमिलाते हैं? कब चमकते हैं? रात में। तो ये क्या बता रहा है तारे? कि ये रात में चमकते हैं। तो ट्विंकल एट नाइट ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। सेकेंड इज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो इसमें दिल्ली के विषय में क्या बताया जा रहा है? कि वह भारत की राजधानी है। तो ये किसकी बात हो रही है? कि ये भारत की राजधानी है। तो ये इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से पता चल ही गया होगा। इसके बाद कुछ मैंने सेंटेंस दिए हैं आपको होमवर्क के लिए। तो आप इसको घर पर करिए, क्योंकि अगर आप घर पर इसको करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आए हैं। तो मैंने होमवर्क दिया है आपको, चूज़ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट है द आउल्स आर स्टारिंग। सेकेंड दे हेयर्ड अ लाउड बर्स्ट। थर्ड द सन सेट्स इन द वेस्ट। फोर्थ शीला वॉशिज द क्लॉथ्स। फिफ्थ सिंगर्स आर सिंगिंग। तो आप लोगों को ये आकस्मिक छुट्टी हो गई है, तो इसमें आप लोग अपनी पढ़ाई आपकी कुछ ज़्यादा ही डिले हो गई है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, थोड़ा घर पर बैठकर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके, बाय।